नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, दुष्कर्म की घटनाओं पर की जाए सख्त कार्रवाई। ड्राइवर को आई नींद की झपकी, 45 यात्रियों की बाल बाल बची जान। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस ने दी पुष्पांजलि, बाबा साहब के आदर्शों, नीतियों और सिद्धांतों पर चले खाचरियावास ने कहा। अंबेडकर जयंती पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, महेश नगर इलाके में दिखी पुलिस मुस्तैद। और अब समाचार विस्तार से। चूरू में जिला मुख्यालय पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में समस्या समाधान शिविर लगाया गया। इस शिविर में पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौर ने पहुंचकर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की महती योजना है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में ही आमजन की बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान स्वयं विभाग के अधीक्षण अभियंता सुन रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इसके लिए वह ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ के पास पहुंचे और पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने अधिकारियों से वार्ता कर सभी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। राज्य सरकार समस्या रहित शासन देना चाहती है। पहले राजस्व न्याय आपके द्वार इस कार्यक्रम में गांव की चौपाल पर सरकार गई और राजस्व संबंधी 96 लाख मामलों का निराकरण किया। अब विद्युत जो आम व्यक्ति जिससे जुड़ा हुआ है उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इस प्रकार के शिविर जो 20 अप्रैल तक चलेंगे, विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिए शानदार आगाज हुआ है। इसकी जितनी बढ़ाई की जाए कम है और आज मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी आम उपभोक्ता से सीधा रूबरू होकर समस्या का समाधान कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद और समस्या रहित होगा राजस्थान, समस्या रहित होगा विद्युत की दृष्टि से चूरू। इस उम्मीद के साथ हम इस शिविर का अम्बेडकर दिवस के दिन हम आगाज कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। कोटपुतली में एक बस के सोता नाला में गिरने से 45 से 50 लोग हुए घायल। घायलों को बीडीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सभी का ट्रॉमा सेंटर कोटपुतली और कैलाश हॉस्पिटल बहरोड में चल रहा है इलाज। पनियाला और कोटपुतली पुलिस पहुंची मौके पर। कोटपुतली थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से सोता नाला के पास बस खाई में गिर गई, जिससे कि करीब 45 से 50 के लगभग महिला, पुरुष और बच्चे हो गए घायल। बस दिल्ली से जयपुर जा रही थी, जिसमें घायल जितेंद्र, अनूप मिर्जा, मनीषा आनंद शर्मा आदि थे। NH8 पनियाला सोता नाला की है ये घटना। बहरोड के कैलाश अस्पताल में पनियाला पुलिस और कोटपुतली पुलिस कर रही है मामले की जांच। धरियावत नगर में वाहनों की व्यवस्था को लेकर पार्किंग स्थल नहीं होने से स्थानीय व्यापारी और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरियावत के मुख्य बस स्टैंड, सब्जी मंडी, भारतीय स्टेट बैंक सहित दर्जनों जगह वाहनधारियों को वाहनों को पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिलने से वाहनों को खड़ा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बेढंग से रखे हुए वाहन खड़ा होने से रास्ते को अवरुद्ध भी कर रहे हैं, जिससे कि आम लोगों को चलने फिरने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी मरीज को लाया जाता है, उस समय भी यही स्थिति बनी रहती है। मरीजों को मुख्य द्वार के सामने से होकर निकलना पड़ता है, वाहन खड़े होने से समय पर अंदर नहीं जा सकते। पार्किंग व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने से आए दिन जाम लगता है। ग्राम पंचायत से हमारा निवेदन है व्यापार संघ का कि वे अति शीघ्र पार्किंग की व्यवस्था करें। टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए बहुत ही आवश्यक पार्किंग की जरूरत है। दरियाबाद कस्बे में यातायात बाधित रहता है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था
सुचारू नहीं है। हर जगह उपभोक्ता नागरिक अपनी हर जगह वाहन खड़े कर देते हैं आड़े तिरछे किसी भी तरह से, और जिससे यातायात बाधित रहता है, जिससे आम जन को तकलीफ परेशानी होती है। स्थानीय बस स्टैंड पे बैंक के बाहर भी दो पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे वह आम जन परेशान होता है। कोई निशक्त जन और वृद्धों को बैंक के अंदर जाने में बहुत परेशानी होती है, व्यापारी भी उनकी दुकानों से परेशान है। अजमेर सहित पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी कड़ी में अजमेर में भी भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि, माल्य अर्पण सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के अंबेडकर सर्किल स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल, मंत्रियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। वहीं हाल ही में हुए आंदोलन को चलते इस बार पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। आज के दिन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक समरसता का जो पाठ पढ़ाया है, हिंदू समाज को एक साथ संगठित होने की जो बात कही है, जिसके लिए वो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, उस शिक्षा को ग्रहण करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ऐसे विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने दूरगामी सोच के साथ, न केवल सामाजिक समरसता के नाते से, बल्कि श्रमिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और आज जिन चीज़ों पर श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं, वो उनके ही द्वारा बताई गई चीज़ है। वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो प्रकांड विद्वान थे, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पहली बार एक हिंदुस्तानी ने जो डिग्री प्राप्त करी, उसमें पहले प्रथम व्यक्ति थे। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति जिन्होंने हमेशा शिक्षित बनने का नारा दिया, संगठित होने का नारा दिया और संघर्ष करने का नारा दिया, वो सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने दिया था। और आज वही सामाजिक समरसता को जब हम तार तार होते हुए देखते हैं, तो बहुत दुख होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस मार्ग पर चलने की हमें राह दिखाई थी, कहीं हम उस राह से, कहीं उस मार्ग से भटक ना जाएं। ये जन्म जयंती और जो समारोह है, वो ये सीख देते हैं कि हम उनके मार्ग पर किस तरह से आगे बढ़ सकें। यदि हम उनकी शिक्षाओं को वास्तव में ग्रहण करते हैं, वास्तव में स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहिए और सामाजिक समरसता को बनाए रखने का प्रण करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। आज संविधान के शिल्पकार और दलितों के मसीहा, संविधान के रचयिता ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 127वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कि आज जो कुछ भी संविधान बना है वह उनके आधार पर बना है। उन्होंने सदैव जातिवाद के खिलाफ रहे, उन्होंने सबको पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी। जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह बिड़ला प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कल्याण सिंह रहे। इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सुंदरलाल, स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी, जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी, मुख्य सचिव एनसी गोयल, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस समारोह में राज्यपाल द्वारा बीआर अंबेडकर फाउंडेशन मुंडला में बालक व बालिका छात्रावास का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बीआर अंबेडकर फाउंडेशन मुंडला में डिजिटल पुस्तकालय और अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में नवनिर्मित सभा भवन का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इस समारोह में अम्बेडकर न्याय अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार वितरित किए गए।
इसके साथ ही वृद्धावस्था से विधवा पेंशन में रूपांतरित दो महिलाओं को पीपीओ प्रमाण पत्र, 11 लोगों को ऋण माफी पत्र और 5 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण पत्र वितरित किए गए। पोकरण के सालम सागर तालाब स्थित सामुदायिक भवन में राष्ट्र एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने और राष्ट्र को आतंकवाद, धर्मांतरण, लव जिहाद, गोहत्या, अवैध घुसपैठ से सुरक्षित करने, मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने और विश्व गुरु के सिंहासन पर पुनरारूढ़ करने हेतु राष्ट्र निर्माण में हमारी भूमिका पर विश्व हिंदू परिषद सहित बजरंग दल, करणी सेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्र संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद के ईश्वर लाल ने मुख्य वक्ता के रूप में भूमिका निभाई। हिंदू संगठन सभा में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के गणमान्य नागरिक और महिलाओं ने भी भाग लिया। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से 63वां रेल सप्ताह समारोह आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समारोह रेलवे के अरावली सभागृह गणपति नगर रेलवे कॉलोनी में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रबंधक सौम्या माथुर रही। समारोह में रेलवे पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को नगद राशि, प्रमाण पत्र और गुलाब के फूल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। प्रबंधक सौम्या माथुर ने बताया कि समारोह में कुल 125 रेल अधिकारी व कर्मचारियों को महाप्रबंधक स्तर पर पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त 08 ग्रुप पुरस्कार भी दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों की श्रेष्ठ कार्य करने वाले और स्टेशनों को भी पुरस्कृत किया गया। समारोह के दौरान भोपाल में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर के रेल सप्ताह में जयपुर मंडल की रेल प्रबंधक सौम्या माथुर को बेस्ट चेंज एजेंट का पुरस्कार भी दिया गया। पीछे से ताले की आवाज कुछ कम है। आज ये रेलवे वीक के अवसर पर मंडल स्तर पर अवार्ड का कार्यक्रम था। इस वर्ष में मंडल ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करे हैं, तो आज कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पे और ग्रुप अवार्ड्स भी दिए गए। हमारे महाप्रबंधक स्तर पे भी हमारे कर्मचारियों को अवार्ड मिले हैं और इस वर्ष जयपुर मंडल को कुल मिलाकर 13 शील्ड मिली, इंक्लूडिंग जो महाप्रबंधक की ओवरऑल संपूर्ण कार्यकुशलता शील्ड है। तो आज उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन हुआ है और कर्मचारियों को पिछले वर्ष में जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए सम्मानित किया गया। आज कुल मिलाकर 125 अवार्ड दिए गए कर्मचारियों को और अधिकारियों को। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज अंबेडकर सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। आज सुबह 8 बजे जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ जयपुर शहर कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारियों और नागरिकों ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाबा साहब के आदर्शों, नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का आग्रह किया। जालौर में शनिवार सवेरे जोधपुर भिलड़ी रेल मार्ग पर मोदरान में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार ट्रेन की चपेट में आने से शव भी क्षत विक्षत हो जाने के कारण पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की पहचान करवाने के बाद परिवारजनों को शव सुपुर्द किया गया। जानकारी के अनुसार ललिता देवी मानसिक रूप से बीमार थी। सवेरे 6 बजे घर से बिना बताए बाहर निकल गई और ट्रेन की चपेट में आ गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कुलपति के ऑफिस के बाहर जमकर नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठ गया। शुक्रवार को बीएससी ऑनर्स द्वितीय वर्ष फिजिक्स का हूबहू प्रश्न पत्र 1 घंटे पहले दोपहर 2 बजे सभी विद्यार्थियों के पास आ गया। ये पेपर किसी सादा कागज पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित अधिकृत प्रश्न पत्र था। राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आज भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर आर्य कुलपति आर के कोठारी हाईकोर्ट न्यायाधीश मनीष भंडारी मौजूद रहे। आर्य कुलपति आर के कोठारी ने बताया कि आज सेमिनार के जरिए बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। आज जिस तरह देश बदल रहा है ऐसे में देश के युवाओं को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। युवाओं को बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। राजधानी जयपुर में SC ST के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती मनाई। इस जयंती के मौके पर जयपुर के शहीद स्मारक पर SC ST के लोगों ने उपवास रखकर 2 अप्रैल को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को गिरफ्तारी की थी उसके लिए उपवास रखकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार इन लोगों को 2-3 दिन के अंदर बाहर नहीं निकालती है। आने वाले समय में हम विरोध प्रदर्शन बढ़ाएंगे, चक्का जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये फैसला हमें कभी भी मान्य नहीं होगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आज हम SC ST के लोग सुप्रीम कोर्ट के दलित एक्ट के फैसले के खिलाफ और राजस्थान और देश के अंदर 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हमारे निर्दोष लोगों के मुकदमे लगा के और जेलों में भेज दिया गया उसके विरोध में हम आज यहाँ उपवास पे हैं। सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर जमावड़ा लगा गया था और काफ़ी संख्या के अंदर हमारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित थे। दूसरे समाज के भी विभिन्न संप्रदाय के लोग भी हमें समर्थन देने आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे। हम सरकार से मांग करते हैं कि 3 दिन के अंदर निर्दोष हमारे साथियों को नहीं छोड़ा गया तो हम जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं, राजस्थान के अंदर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और एक रणनीति के तहत हम सुनियोजित प्रोग्राम के तहत एक बड़ा आंदोलन की का व्यूह रचना करके रणनीति तैयार करके और हम राजस्थान के अंदर आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारे आदिवासी और दलितों के अधिकार हमें नहीं मिल जाते। हमारे जो दलित भाई हैं और जो जेलों के अंदर हैं उनको छोड़ा नहीं जाता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि सर्वविदित है 2 अप्रैल भारत बंद के क्रम में देश और प्रदेश में राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जिस प्रकार आंदोलनकारियों पर जबरदस्ती तोड़फोड़ के मुकदमे आगजनी के मुकदमे यहाँ तक कि 307 की धाराएं तक भी लगाई गई हैं, महिलाओं बच्चों को कर्मचारियों को जेलों में ठूस रहे हैं, तो
उसी के एक विरोध में बाबा साहब की जयंती, हालांकि हम हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हम हर्षोल्लास के साथ खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने एक सांकेतिक रूप दिया है एक विरोध का, कि हम जयंती तो मना रहे हैं लेकिन एक सरकार के विरोध के रूप में जयंती मना रहे हैं, कि जब तक उन निर्दोष बच्चों को, महिलाओं को, कर्मचारियों को और जो भी आंदोलनकारी इस भारत बंद में शरीक रहे और उनके ऊपर जो मुकदमे थोपे गए हैं उन मुकदमों को वापस जल्द से जल्द लिया जाए और कर्मचारियों को बहाल किया जाए, अन्यथा हम एक बहुत ही बड़ा आंदोलन इस क्रम में करेंगे। ये एक छोटा सा एक दिवसीय उपवास था हमारा, जो समाज काफ़ी लोग आए हैं, सुबह से करीबन हज़ारों तादाद में लोग आए हैं अलग अलग समय पे। तो हम सरकार को चेता रहे, चाहे वो केंद्र सरकार कान खोल के सुन ले, राज्य सरकार सुन ले, कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को जल्दी अगर निदान नहीं मिला तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम अमरण अनशन पे बैठेंगे, जिस भाषा में सरकार समझेगी उस भाषा में हम सरकार को समझाएंगे। धन्यवाद। जयपुर में महेश नगर थाना इलाके में आज सुबह अंबेडकर जयंती के मौके पर पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखाई दी। अंबेडकर जयंती के मौके पर लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं महेश नगर के जेडीए पार्क में भीमराव अंबेडकर की सभा आयोजित हुई। आपको बता दें कि इससे पहले कल देर रात महेश नगर इलाके में बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया ताकि कोई घटना नहीं हो। महेश नगर थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा, महेश नगर की कमिश्नरेट के आदेशों के बाद इलाके में सख्ती बरती गई और पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिली। और वहीं इस पूरी शोभा यात्रा में एसीपी दक्षिण नेम सिंह नजर बनाए हुए हैं और साथ ही साथ शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। कठुआ और उन्नाव में बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं के विरोध में और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और जयपुर जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में शुक्रवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च किया। कैंडल मार्च में मुख्य रूप से एआईसीसी महासचिव मोहन प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान महिलाओं की संख्या बड़ी तादाद में रही। जयपुर के नागरिकों में कठुआ और उन्नाव में हुए दुष्कर्म के बाद भारी आक्रोश है। इस मौके पर एआईसीसी महासचिव मोहन प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, उन्हें आगे आकर दुष्कर्म की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जनता को विश्वास दिलाना होगा। आज जिस तरीके से पूरे देश के हालात है और देश की हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, कल मिडनाइट को हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर वो खुद आए थे, इंडिया गेट पर कैंडल मार्च किया था और सरकार का ध्यान खींचने का काम किया था। आज पूरे देश के अंदर हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से हालात बहन और बेटियों के हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर, चाहे प्रदेश की बात करो चाहे आपके पूरे देश की बात करो। आज अपन प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, आए दिन बहन और बेटियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में जिस तरीके से गैंगरेप की घटनाएं हो रही है उसी के विरोध के अंदर हमारे कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता हमने कैंडल मार्च जो है किया है, सरकार का ध्यान खींचा है, सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। आज अपन प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात करें कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट होगी। आपने देखा होगा कि कई महीने पहले बीकानेर के अंदर एक बच्चे के साथ में गैंगरेप की घटना हुई थी, उस घटना के तहत विधानसभा चल रही थी, हमने ये बात रखी। तो होम मिनिस्टर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मेरे पास में इतनी पुलिस नहीं, मैं घर घर पुलिस बिठा दूं, ये तो आपके प्रदेश के होम मिनिस्टर की जो है जिस तरीके से हालात है उस हालात को जनता समझ चुकी है। आने वाले समय के अंदर आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हालात है उस हालात को जनता समझ चुकी है, आने वाले समय के अंदर इस कुशासन को उखाड़ के फेंकने का काम देश की और प्रदेश की जनता करेगी।
देखिए सारे लोगों का बीजेपी से विश्वास उठ गया है, सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, सरकार का कोई बड़ा नेता सामने आकर बयान नहीं दे रहा है। जब राहुल गांधी रात को 12 बजे निकलते हैं उसके बाद विधायक की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई निकलती है, इसका मतलब जब राहुल गांधी निकलेंगे, कांग्रेस सड़कों पर निकलेगी, उसके बाद बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पहले बलात्कारी गिरफ्तार नहीं होंगे, उसके पहले उनको बचाया जाएगा। 8 साल की बच्ची हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होती, वो माँ बहन बेटी होती है, वो देश की बेटी है। धर्म और जाति के नाम पर कभी भी अपराधी को नहीं बांटा जा सकता, अपराध को नहीं बांटा जा सकता। और मैं आज फिर कह रहा हूं पूरा देश जिस विश्वास के साथ इनको वोट दिया था उस विश्वास पर ये सरकार खरी नहीं उतरी, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं फिर उपवास करते हैं, खुद के खिलाफ प्रधानमंत्री खड़ा होता है। संसद चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, सरकार की होती है, सबको विश्वास में लेकर चलना। आप उपवास करके नाटक कर सकते हैं लेकिन देश की बेटियों को नहीं बचा सकते। उपवास की नाटकबाजी बंद करो, सरकार का इकबाल बुलंद करो, सड़क पर अपराधियों को खुलेआम फांसी दो, कुछ भी करो लेकिन कानून का राज बुलंद करो। लोगों को आज लगता है कि कानून का राज खत्म हो गया है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा ले गए रह गया। झुंझुनू के नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दोनों नगर पालिकाओं में आज अंबेडकर भवनों की नींव रखी गई। नवलगढ़ में फायर ब्रिगेड के पास और मुकुंदगढ़ में पुलिस थाने के पास बनाए जाने वाले अंबेडकर भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा रहे, जिन्होंने नवलगढ़ में चेयरमैन सुरेंद्र सैनी तथा मुकुंदगढ़ में चेयरमैन सत्यनारायण सैनी की मौजूदगी में पहले पूजा अर्चना की, इसके बाद शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर शर्मा ने कहा कि देश के विकास के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। बाबा साहब ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा और उन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा, लेकिन वर्तमान सरकारें बाबा साहब के इन सपनों को तोड़कर सामाजिक समरसता को भी तार तार करना चाहती है। साकार और सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आदरणीय विधायक जी। एक बार डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर मैं डॉक्टर बाबा साहब को 127वीं जयंती के ऊपर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस शुभ अवसर के ऊपर हम लोगों ने नवलगढ़ में मुकुंदगढ़ में राज्य सरकार द्वारा अभी बजट घोषणा के अनुरूप जो अंबेडकर भवन बनाने का जो निर्णय लिया है उनका शिलान्यास किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समरसता का, ये सब लोग भाईचारे से रहें, संविधान की रक्षा करें, निश्चित रूप से आज उनके जीवन से पूरा हिंदुस्तान के लोग प्रेरणा लेंगे और आपसी भाईचारे से रहकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ राजस्थान की और पूरे देश के समस्त आवाम से। सत्यमेव न्यूज में आज बस इतना ही। ताजा अपडेट न्यूज के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज। नमस्कार।